तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ट्रस्ट वैलेट में BUSD हैं तो आप बाइनेंस के अकाउंट में किस प्रकार से सेंड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यह देखिए, हमारे ट्रस्ट वैलेट में 7 BUSD से ऊपर अभी भी पड़े हैं। तो दोस्तों, हम इन सभी BUSD को अपने बाइनेंस के अकाउंट में भेजकर दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी ट्रस्ट वैलेट में से BUSD बाइनेंस में भेजना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लेना है। दोस्तों, ये देखिए, हमने अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लिया है। अब आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहे होंगे कुछ अमाउंट दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यह जो अमाउंट है तो हमारे बाइनेंस के अकाउंट में जो कॉइन है खरीद रखे हैं उन कॉइन का इतना अमाउंट है जो ऊपर दिखाई दे रहा है। जो भी कॉइन हमने खरीद रखे हैं सभी, उन सभी का अमाउंट है वह 1900 कुछ रुपये। तो दोस्तों, जब हम ट्रस्ट वैलेट में से BUSD बाइनेंस में लाएंगे तो यह अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें इन एरो वाले निशान पर क्लिक करना है और डिपॉजिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको ऊपर जो भी कॉइन इसमें लेना है, यानी कि हमें इसमें BUSD लेने हैं ट्रस्ट वैलेट में से, तो हम BUSD सर्च करते हैं। यह देखिए, अब दोस्तों हमने BUSD सर्च कर दिया। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें नेटवर्क सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो BUSD हमारा BEP20 वाला है, सबसे ऊपर वाला, जो कि BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क है वह वाला था। दोस्तों, हमने वही सिलेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए, हम इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों, हमें ट्रस्ट वैलेट में आ जाना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद हमें ट्रस्ट वैलेट में आना है। यह देखिए, हम अपने ट्रस्ट वैलेट में आ चुके हैं। अब दोस्तों, आपको BUSD वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह देखिए, आपको सबसे ऊपर BUSD टोकन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यह देखिए, आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह देखिए, और सबसे ऊपर ही आपको पेस्ट करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, आपको थोड़ी देर यहाँ पर प्रेस करके रखना, दबा के रखना है और पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों, नीचे आप कितनी भी BUSD भर सकते हैं, जितनी आप भेजना चाहते हैं बाइनेंस के अकाउंट में। दोस्तों, ये देखिए, हमने मैक्सिमम पर क्लिक कर दिया है, जितनी भी BUSD हैं सभी पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, हम ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी नेटवर्क फीस की डिटेल्स आ जाएंगी, हम यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। दोस्तों, ये देखिए, आप इस डिटेल्स को देख सकते हैं, हम कन्फर्म कर देते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, हमारे यहाँ पर थोड़े टाइम बाद BUSD जो बाइनेंस में पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने कन्फर्म कर दिया है और ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं, पेंडिंग स्टेटस आ रहा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर 10-20 सेकंड वेट करना है, 1 मिनट वेट करना है। जब यह स्टेटस सक्सेस हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे बाइनेंस के अकाउंट में यह BUSD पहुँच जाएंगे। दोस्तों, ये देखिए, सक्सेस हो चुका है ट्रांसफ़र पर। देखिए, पहले आपको टाइमर आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम अपने बाइनेंस के अकाउंट में आते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस आया या नहीं। तो दोस्तों, यह देखिए, हम अपने बाइनेंस के अकाउंट में आ जाते हैं, अब बैक आ जाते हैं। अब दोस्तों, अपने बाइनेंस के अकाउंट को रिफ्रेश मारते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी हमारा अमाउंट इतना ही है, यानी कि अभी हमारा अमाउंट नहीं आया है ट्रस्ट वैलेट से बाइनेंस में। तो दोस्तों, ये देखिए, BUSD अभी हमारे नहीं आए, हम फिर से रिफ्रेश मार लेते हैं। दोस्तों, हम इस बाइनेंस के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और दोबारा से ओपन करते हैं। दोस्तों, यह देखिए, हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 मिनट का, आपके अकाउंट में यह BUSD आ जाएंगे। तो दोस्तों, हम रिफ्रेश मार लेते हैं, आपको लाइव दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो पहले हमारा 1900 कुछ रुपये का अमाउंट था बाइनेंस के अकाउंट में, अब 2543 रुपये का अमाउंट हो चुका है। दोस्तों, जो हमारे 7 BUSD थे उसका अमाउंट जो भी होगा वह हमारे इस अकाउंट में आ चुका है बाइनेंस के में। दोस्तों, आप देख सकते हैं, BUSD पर हम क्लिक करते हैं तो यह देखिए, 7.56 BUSD थे ट्रस्ट वैलेट में भी, और यहाँ पर भी हमारी पूरी BUSD आई हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमारे जो भी इसका अमाउंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, 624 रुपये का समथिंग। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी वैलेट से। दोस्तों, हमने इसमें आपको ट्रस्ट वैलेट से बाइनेंस में करके दिखाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।